आइनी अदालत या आइनी बेंच जो क़याम खसूसी कमेटी इतफाक़ के वेझो पहुंची वही आइनी तरमीम से इतफाक़ी राय पैदा करने लाए कायम पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी जो सैयद खुर्शीद शाह की सदारत हेठ इजलास सियासी जमायत पारा आइनी अदालत या आइनी बेंच वाले नुक्ते ते गौर विचार जे यू आई सरबराह मौलाना फजल रहमान जो आइनी अदालत बदरा आइनी बेंच ठाने ते जोर आइनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत पंज सीनियर जज शामिल करने की तजवीज़ पीटीआई जो मसविदो न मिलन करे हतमी अग भराई थेण में रंडक आइनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह चवाए तू लीग पीपल्स पार्टी एम क्यू एम विच में आइनी तरमीम से इतफाक़ राय है एक बिन्न डीह अंदर मुकम्मल तौर से इतफाक़ राय थी वो मुसवदे के हतमी शिकल दियण में का वही रंडक नजर न पी अचे मुसवदे में खोड़ सारे शूं पार्लियामेंट के ताकतवर बनाने दूँ तहरीक इंसाफ अजोक इजलास में पैं तजवीज़ों पेश न क्यों सेनेटर इरफान सिद्दीकी दावा कई है इम्कानी आइनी तरमीम के मामले से इतफाक राय के वेझो पहुंची वह शेर रहमान जो चवण है तो पीटीआई मुसवदो न दिनों अज पीटीआई जे यू आई से गड़जानी भी की पीपी ए जे यू आई विच में मुसवदे से इतफाक वो है पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो चवण है तो असो मुसवदो तैयार कर वरतो है पर पीटीआई बानी से मुलाकात का मुसवदो पेश वो उमर अयूब दावा कई है तो हुकूमत वट आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरा ना इन कर मैंबर के एक एक अरब रुपये तीन की ऑफर कई थी वे सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात ऐवान सदर में थियल मुलाकात दौरान आइनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल से गाल बोल कई वही सुप्रीम कोर्ट इम्कानी छवी आइनी तरमीम खिलाफ दरख्वास्त वापस वठण के बुनियाद से खारिज कर छी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में टे रुकनी बेंच बुधनी कई दरख्वास्त गुजारन तरफा एडवोकेट हामिद अदालत में पेश कियो वजीर आजम पारा हुकूमती इतिहादी जमायतों के सैनेटरी के मान में आजियाणो शिंगाई सहकार तंजीम इजलास की कामयाबी से समूरन अगवाणन के वाधायूं कामयाब एससीओ इजलास सफारती मैदान में वही सोबा है कॉन्फ्रेंस की कामयाबी लाए समूरन इदारन गरजी कोशिश कई नायब वजीर आजम इसाक डार जो अहम किरदार है वजीर आजम जो आजियाणे के खिताब चवणा है तो मुल्की मईशत दुरुस्त रुख दा वधी रही है मुख्तसर अरसे दौरान महंगाई में तमाम घनी घटताई आई है समूरन सियासी पार्टी ने आवाम कुर्बानी दई मुल्क के दुखियाइन में कढ़ियो कारसाज़ाने के शहीदन की सत्रहवीं वर्सी कारसाज वट शहीदन के यादगार से दिया बारे भेटा पेश औरतन मर्दन समेत जालन की वे अंग में शहीदन के यादगार से पहुंची तस्वीरों आडो गुल रखा सूबाई वजीर सईद गनी कारसाज के शहीदन के खराज अकीदत पेश कर है अज का सत्रह साल अग शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के काफिले से हमलों कर जियालन के निशानों बनाया वो सुबाने खेन भेटा पेश कर हैदराबाद में तारीखी जलसो नई दिल्ली में कारसाज साने दौरान शहीद थियलन के मजारों से हाजिरी कुरान खानी कर भेटा पेश छठे में भी पीपी अगवान ने कारकुन दिया बारे कारसाज के शहीदन के भेटा पेश पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चवण है तो कारसाज हमलो एक सोचल समझल साजिश हुई आमरीत दहशतगर्दन गर्जी शहीद मोहतरमा पार्टी क्यादत के निशानों बनाया कारसाज सानिय के शहीदन के भेटा पेश कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चुव तो 18 अक्टूबर सानियो जियालन पारा जमहूरियत लाए दिनल कुर्बानी याद दियारे तो शहीदन की कुर्बानी पाकिस्तान के जमहूरी सफर जो अणटुट हिस्सो है पीपल्स पार्टी हर पाकिस्तानी के हक लाए साबित कदम रही जमहूरियत की हिफाजत कंदी सुभाने हैदराबाद में पाकिस्तान के तारीख जो सब का वो जलसो जो समूरा रिकॉर्ड तोड़े छी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तारीखी जलसे खिताब कर हकमत अमली वाजे कौ पीपल्स पार्टी चाहे थी तो समूरन सियासी पार्टी के गर खड़ी हलज सीनियर वजीर शर्जलीना मैमन की गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो चवण है 18 अक्टूबर पाकिस्तान के तारीख जो कारो ढी है पीपल्स पार्टी के उन ही मौक़ से अज सभी इतफाक़ कन था तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तरक्की रुगो सिंध में नजर इंदी है खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कम जो तो नालो निशानी ना है सरकारी वसीला रियासत के खिलाफ इस्तेमाल थी रहा है असांजी हुकूमत की हर पॉलिसी जो महवर आवाम की फुलहाल बहबूद है हुकूमत गुर्बत के खात्मे के यकीनी बनाने में अहम अग भराई कई
वजीर आजम शहबाज शरीफ जो गुर्बत के खात्मे के दिहाड़े से पैगाम सन्स बना है अस आलमी बिरादरी से गड़ी एक अड़ी दुनिया लाए पुरजम आयो जिते हर फर्द लाए कामयाबी जो मौकिया बराबर होजन। गुर्बत जो खात्मो सिर्फ एक इखलाकी फर्ज ना है पर जटादार तरक्की हासिल कर बुनियादी शर्त है। अस समझू था तो मानुन के मुआशी तौर बा इख्तियार बढ़ाने लाए असरायता कदम भी इंतहाई अहम आन। पाकिस्तानी हुकूमत पैं मान लाए जिंदगी के वधीक आसान बनाने लाए पुरजम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबाने अहम इजलास तलब करे वरतो जो कि इजलास में मिलल खतन से गौर विचार कानूनी टीम पारा ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान मुझे मखसूस सीटों वे मामले के हतमी फैसले के लिए सुबाने बीहर इजलास एक्साइज खाते की शानदार कामयाबी सालियानी टैक्स रेवेन्यू हदफ जो 27% पेर ही 3 माह में कामयाबी से हासिल करे वरतो। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम अहमद की कोशिशों से एक्साइज एंड टैक्सेशन खाते माली साल के 203 अरब रुपये के हदफ की पेर ही 3 महीनों में 55.48 अरब रुपया जमा करे वरता। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम अहमद की सदारत हेठ एक्साइज टैक्सेशन आई नार्कोटिक्स कंट्रोल जो इजलास शर्जिल इनाम अहमद पारा खाते की कारकर्दगी वाखाण कार्रवाइन के वधिक तेज करने लाए तकड़ा कदम खड़ने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम अहमद मोटर व्हीकल टैक्स जो निज़ाम 15 दिन अंदर ऑनलाइन करने का हुक्म जारी करने चाहा है तो मोटर व्हीकल टैक्स जो निज़ाम 15 दिन अंदर ऑनलाइन किया वे तो जी शहर लाए टैक्स जो निज़ाम आसान असरायतो बनाए सके। असरायती खिदमत की फ्राहमी सिंध हुकूमत की पेरी तरजीह है। आवाम के घर वेही टैक्स की अदायगी की सहूलत की फ्राहमी यकीनी बनाई वे। प्रीमियम आई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी की कामयाबी लाए वधी कदम खाया वन। सिंध हाई कोर्ट में परडे वजीर साखदार जनाब वजीर आजम तौर मुकररी खिलाफ दरख्वास्त री बुधनी वफाकी हुकूमत दरख्वास्त लिखत में जवाब अदालत में जमा कराए छो। जवाब में चाहिए है इसाकदार के नायब वजी आजम तौर एजाजी अहदो दिनों वो है। इसाकदार वजी आजम ज अख्तियार इस्तेमाल नो कर सके। अदालत दरख्वास्त से बुधनी 2 हफ्तों लाए मुलतवी कर। बलोचिस्तान जो अगुणो निगरान वजीर आला हुमायूं खान मरी लाडाणो करे वो। नवाबजादा हुमायूं मरी कोहलो में लाडाणो करे वो। हुमायूं मरी डेप्टी चेयरमैन सैनेट के अहदे ते भी रहो। हुमायूं मरी बभेरा कोहलो में सूबाई असेंबली जो मेंबर चूंडे वो हो। एसएसपी घोटकी हफीज रहमान बुगटी डोहारिन से मिलियल है। इन खिलाफ फौरी तौर से सख्त कदम खया वन। डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह जो आईजी सिंध के खत। डीआईजी खत में चाहा है एसएसपी हफीज रहमान बुगटी खतरनाक नॉन प्रोफेशनल रस्ते से हली रो है। वो बदनाम धाड़ेलन से राबते में है। एसएसपी जहाँ अड़न धाड़ेलन से वास्ता जो पुलिस ऑफिसर के शहादत में भी मुलविस धुरन विच में ठा कर सुी गाल पर उन बहाने दोहारिन से मिलन खतरनाक साबित किए थे। कैनेडा जो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चवे तो कैनेडा की खुद मुख्तियारी सलामती में मुबैना मुदाखलत कर भारत बड़ी गलती कई। भारत कैनेडा में भारतीय मुखालफन के निशानो बनाने की कोशिश कर रो हो। असें शहर की हिफाजत लाइक कदम खी सूँ था। भारत पारा कैनेडा के खुद मुख्तियारी की भनकड़ी जहा वाज इशारा असानी जमीन से शहर के खिलाफ तशद घणन मामलों पुठिया भारतीय हुकूमत मुलविस है। भारत पारा कैनेडा के खुद मुख्तियारी में मुदाखलत बाबत कैनेडा के वजीर आजम जो इल्ज़ाम रद्द।